गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में अपने फिनोल टॉपिक अपना स्टार्ट किया था और उसका कुछ जनरल इंट्रोडक्शन, और अपने लास्ट में जो टॉपिक कंप्लीट किया था वो था मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ फिनोल, फिनोल के बनाने की विधियां। और आपने ये देखा था कि फिनोल के बनाने की विधियों को अपने दो तरीके से याद करेंगे। मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ फिनोल को टू टाइप से पढ़ेंगे, और उसमें जो सबसे फर्स्ट में जो मेथड थी वो थी लेबोरेटरी मेथड्स। इसमें जो फर्स्ट रिएक्शन थी वो थी फ्रॉम बेंजीन डाई एजोनियम साल्ट। और उसके बाद सेकंड रिएक्शन जो थी बेंजीन डाई एजोनियम साल्ट, इसको अपने ऐसे ही लिखते हैं, बेंजीन डाई एजोनियम साल्ट के जगह अगर अपने कोई भी हैलोजन इसमें ऐड कर लेंगे तो बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड, अगर Cl लगाएंगे तो क्लोराइड हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद सेकंड टाइप की रिएक्शन थी वो थी फ्रॉम हैलो एरीन। उसके बाद जो थर्ड टाइप की रिएक्शन थी वो थी फ्रॉम सैलिसिलिक एसिड। फोर्थ टाइप की जो रिएक्शन थी वो थी फ्रॉम जी आर। और अगर मैं बात करता हूँ, इसमें एक रिएक्शन और है अपने पास, और वो है फ्रॉम सल्फोनिक एसिड। तो देखो, बेंजीन डाई एजोनियम लवण, हेलो एरीन और सैलिसिलिक अम्ल, और फ्रॉम जी आर का मतलब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट या ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक, फ्रॉम सल्फोनिक एसिड या सल्फोनिक अम्ल। तो देखो, इसको मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, मैं सबसे फर्स्ट रिएक्शन अपने देखते हैं, बेंजीन डाई एजोनियम साल्ट। अब आपको ये पता होना चाहिए, अगर आपने 10th चैप्टर अच्छे से स्टडी किया है तो इसमें उन्होंने बेंजीन डाई एजोनियम साल्ट की फॉर्मेशन की थी। तो देखो, आपको पता होना चाहिए कि बेंजीन डाई एजोनियम साल्ट होता क्या है, इसकी फॉर्मेशन होती कैसी है। फर्स्ट रिएक्शन देखते हैं अपने, और इस रिएक्शन में अगर मैं बेंजीन की रिएक्शन कराता हूँ, एनिलीन NH2 होता है, ये क्या होता है NH2, अगर बेंजीन रिंग के ऊपर ऐड कर देता हूँ तो ये क्या बन जाता है, एनिलीन। एनिलीन की रिएक्शन करवाता हूँ अगर मैं NaNO2 और HCl की प्रेजेंस में, किसकी प्रेजेंस में, NaNO2 और HCl की प्रेजेंस में रिएक्शन कराता हूँ, तो इससे मेरे को HNO2 मिलता है। क्या मिलता है, HNO2 और NaCl। क्या मिलता है, HNO2 और NaCl। अब ये जो HNO2 और NaCl है वो रिएक्शन करेगा किस पर, एनिलीन पर। तो यहाँ पर मेरे को मिलेगा जो अपना प्रोडक्ट होगा वो मिलेगा N2Cl। इसे बोलते हैं बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड। अब देखो, बेंजीन डाई एजोनियम, तो बेंजीन का मतलब तो आपको पता चल गया ये बेंजीन रिंग है, क्लोराइड का मतलब पता चल गया आपको ये क्लोराइड है, ये डाई एजोनियम ये क्या है। देखो यहाँ पर आपको बताना है कि अब एन डबल बॉन्ड एन इस कंडीशन में जब होता है तो इसे डाई एजो ग्रुप बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डाई एजो। तो इसका नेम क्या हो गया, बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड। ओके, अब बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड से मेरे को अगर फिनोल बनाना है तो मैं क्या करूँगा कि इसको H2O की प्रेजेंस में हीट करूँगा, गर्म करूँगा। H2O की उपस्थिति में क्या करूँगा, मैं गर्म करूँगा। तो इसमें रिएक्शन कैसे होगी, देख लो, H2O को मैं ऐसे लिख लूँ क्या, HOH। ओके, तो देखो यहाँ से HCl बाहर निकल जाएगा, N2 बाहर निकल जाएगा, और जो OH है वो इसके ऊपर ऐड हो जाएगा, तो अपना जो प्रोडक्ट होगा वो क्या होगा, एक तो फिनोल मिला मेरे को, प्लस में यहाँ से क्या अलग हो गया, इसको हीट करेंगे तो जो नाइट्रोजन है वो नाइट्रोजन गैस की फॉर्म में क्या होगी, यहाँ से रिमूव हो जाएगी, हट जाएगी N2 प्लस, और इधर क्या है, बच गया HCl।
और ये क्या है, फिनोल। तो अपने यही तो स्टडी कर रहे हैं, मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ फिनोल। दोबारा से देख लो, फ्रॉम बेंजीन डाई एजोनियम साल्ट। इससे पहले अपने को बेंजीन डाई एजोनियम साल्ट की फॉर्मेशन कैसे होती है वो पता होना चाहिए, मतलब बेंजीन डाई एजोनियम साल्ट किस प्रकार बनता है वो अपने को पता होना चाहिए। तो ये है एनिलीन, क्या होता है ये एनिलीन। देखो एनिलीन की रिएक्शन जब मैं कराता हूँ किसके साथ, NaNO2 और HCl के साथ, जब NaNO2 और HCl रिएक्शन करता है तो आपको ये बताना चाहिए कि HNO2 और NaCl बनता है। अब ये सीधा डायरेक्ट रिएक्शन नहीं करता, ये रिएक्शन करेगा और यहाँ पर किसकी फॉर्मेशन हो जाएगी, कौन सा प्रोडक्ट मिलेगा अपने को, बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड। अब इसको मैं क्या करूँगा, वाटर की उपस्थिति में या जल की उपस्थिति में इसको गर्म करूंगा तो मेरे को मिलेगा फिनोल। अच्छा मैं बता देता हूँ, ये जो रिएक्शन है ये आप लोगों के लिए थोड़ी सी टफ़ रहेंगी। टफ़ इसलिए रहेंगी क्योंकि अभी तक आपने इससे पहले वन स्टेप की रिएक्शन की है। अब इसमें जब अपने 2 या 3 स्टेप या कई जो रिएक्शन उसमें 4 या 5 स्टेप तक अपने पहुँच जाएंगे, तो इसमें सिर्फ अपने जो यूज करेंगे वो मेन प्रोडक्ट ही यूज करेंगे। इसके साथ में क्या बन रहा है, कौन कहाँ से निकल रहा है, ये आपने अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। तो आज आपने ये जो 5 रिएक्शन अपने डिस्कस करेंगे ये थोड़ी सी टफ रहेंगी क्योंकि इसमें इससे ये जो 5 टाइप की रिएक्शन है ऐसी रिएक्शन आपने अभी तक पढ़ी नहीं है, ओके। तो क्यों नहीं पढ़ी है, क्योंकि अपने अभी तक जो रिएक्शन पढ़ी थी वो आप ये मानो कि लगभग 80-90% जो रिएक्शन थी वो वन स्टेप में कंप्लीट हो रही थी, और ये जो रिएक्शन है ये चलेंगी 2 या 3 स्टेप तक, ओके। अब देखो फिर अपने मैं दोबारा से बात करता हूँ नेक्स्ट सेकंड रिएक्शन की, फ्रॉम हेलो एरीन। तो देखो हेलो एरीन जो है इसकी रिएक्शन अपने कैसे कराएंगे, हेलो एरीन का फॉर्मूला होता है ये, यहाँ पर अगर मैं X लगा देता हूँ तो ये बन गया हेलो एरीन, अगर मैं यहाँ पे Cl लगा देता हूँ तो ये बन गया क्लोरो बेंजीन। क्या बना, क्लोरो बेंजीन। क्या लिख सकते हैं इसको अपने, क्लोरो बेंजीन, ओके। इसको मैं NaOH की प्रेजेंस में हीट करता हूँ और वो जो टेम्परेचर रहेगा वो आप ये मानो लगभग 623 केल्विन और 300 एटमोसफियर, ये है प्रेशर दाब और ये है ताप। तो जब मैं क्लोरो बेंजीन को NaOH के साथ गर्म करता हूँ कितना, 623 केल्विन और 300 एटमोसफियर, 300 एटमोसफियर क्या है, दाब। तो इसको बहुत अधिक टेम्परेचर चाहिए और बहुत अधिक दाब चाहिए। तो अब यहाँ से क्या होगा, HCl अलग हो जाएगा, यहाँ पे क्या होगा माइनस, HCl अलग हो जाएगा और ये जो क्या बच गया NaO, ये बेंजीन रिंग के ऊपर आ जाएगा O Na। अब इसका नेम अपने को पता होना चाहिए, ये है सोडियम फिनोक्साइड। क्या है, सोडियम फिनोक्साइड, सोडियम फिनोक्साइड, ओके। अब अगर मैं सोडियम फिनोक्साइड की रिएक्शन कराता हूँ HCl या H2SO4 मतलब किसी अम्ल के साथ, कोई एसिड के साथ अगर मैं सोडियम फिनोक्साइड की रिएक्शन कराता हूँ, HCl तो देखो यहाँ पे बना था यही यूज हो सकता है, अगर HCl नहीं लेना अपने H2SO4 लेना है तो अपने को H2SO4 अलग से इसमें डालना पड़ेगा। तो अपने रिएक्शन करा लेते हैं HCl के साथ, तो क्या होगा, देखो यहाँ से NaCl अलग हो जाएगा माइनस, क्या हो जाएगा NaCl, और ये जो H है ये इसके ऊपर आ जाएगा और अपना जो प्रोडक्ट है वो क्या मिला अपने को, फिनोल, ओके। तो देखो ये रिएक्शन है ये भी 2 स्टेप में जा रही है, ये रिएक्शन है ये भी 2 स्टेप में। तो आपको ये ध्यान रखना है कि इसमें आपको सिर्फ मेन प्रोडक्ट ही यूज करना है और इनको बहुत अच्छे से याद करना पड़ेगा आपको, ठीक है, क्योंकि इसमें जो को प्रोडक्ट मतलब जो सह उत्पाद जो बनते हैं वो अगर आप नहीं भी लिखते तब भी गलत नहीं होंगी रिएक्शन। आगे देखते हैं अपने नेक्स्ट थर्ड रिएक्शन कौन सी है, फ्रॉम सैलिसिलिक एसिड। तो देखो सैलिसिलिक एसिड के लिए यहाँ पर अपने को एक रिएक्टेंट अभिकारक यूज करना होगा और वो होता है सोडा लाइम। क्या होता है, सोडा लाइम। तो देखो सोडा लाइम क्या होता है अपने देखते हैं, पहले अपने को ये पता होना चाहिए सोडा लाइम क्या होता है, एन ए
OH और CaO का जो मिक्सचर होता है उसे अपने सोडा लाइम बोलते हैं। NaOH और CaO का जो मिक्सचर होता है उसे क्या बोलते हैं, अपने सोडा लाइम बोलते हैं। ओके, तो देखो अपने थर्ड रिएक्शन देख रहे हैं, सैलिसिलिक एसिड। सबसे फर्स्ट में तो सबसे स्टार्टिंग में आपको सैलिसिलिक एसिड का फॉर्मूला पता होना चाहिए कि सैलिसिलिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है। ठीक है, तो देखो सैलिसिलिक एसिड का फॉर्मूला, देखो सैलिसिलिक एसिड का फॉर्मूला होता है ये। अब इसमें बहुत से फॉर्मूले बिल्कुल न्यू आ रहे हैं आप लोगों के लिए। सी ओ ओ एच, इसे क्या बोलते हैं, सैलिसिलिक एसिड, सैलिसिलिक अम्ल। क्या बोलते हैं, सैलिसिलिक अम्ल। अब जो सैलिसिलिक अम्ल है इसको NaOH प्लस CaO के साथ गर्म करना है। क्या करना है, NaOH और CaO के साथ गर्म करना है। और ये जो NaOH और CaO है इसे बोला जाता है सोडा लाइम। क्या बोला जाता है, सोडा लाइम बोला जाता है। ठीक है, तो देखो ये जो अभी अपने जो रिएक्शन करेंगे जब गर्म करते हैं यहां से CO2 हट जाता है। क्या हट जाएगा, CO2 हट जाएगा, मतलब ये जो CO2 है ये बाहर निकल जाएगा और ये H यहीं रहेगा। ठीक है, और क्या बचेगा, NaO यहां से साथ में CO2 और ये हट जाएगा पूरा का पूरा, OH और H, तो मतलब H2O और CO2 बाहर निकल जाएगा। तो देखो क्यों, क्योंकि जब मैंने आपको बताया कि अगर आपके पास ऐसा कोई भी रिएक्टेंट हो जिसमें O हो, H हो, C हो, ये बात मैंने आपको पहले बता दी कि जब आप उसको हीट करेंगे, उसको गर्म करेंगे, उसमें से CO2, HO, H2O ऐसे जो छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स हैं वो क्या हो जाएंगे, बाहर हो जाते हैं। क्योंकि जब आपको पता है कि कोई भी जो रिएक्टेंट है उसको गर्म करते हैं तो उसमें अगर वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट हैं, मतलब जल का अणु है, तो वो क्या हो जाएगा कि वेपराइज हो जाएगा, वाष्प बनकर उड़ जाएगा। तो यहाँ पर मेरे को क्या मिलेगा, यहाँ पर वापस यहाँ से H और यहाँ से OH ये बाहर निकल गया, H2O के रूप में ये CO2 बाहर निकल गया, यहाँ पे मिला ONA। अब ये क्या होता है आपको पता है, सोडियम फिनोक्साइड। ये बहुत बार आएगा, एक बार पहले भी आ गया रिएक्शन में सोडियम फिनोक्साइड। अब आपको पता है कि सोडियम फिनोक्साइड को अगर मैं HCl के साथ रिएक्शन करा देता हूँ, किसके साथ, सोडियम फिनोक्साइड की रिएक्शन करा देते हैं अगर अपने HCl के साथ, यहाँ से NaCl अलग हो जाएगा और यहाँ पर OH फिनोल प्राप्त होगा अपने को। क्या मिलेगा, फिनोल। ओके, उसके बाद देखो नेक्स्ट रिएक्शन कराते हैं अपने Zr, फ्रॉम Zr। Zr क्या होता है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। आपने इसका फॉर्मूला पढ़ा होगा R MgX। अब अपने यहाँ पर R यूज नहीं करेंगे, अपने यूज करेंगे AR। AR मतलब एरिल ग्रुप यूज करेंगे और एरिल ग्रुप का फॉर्मूला होता है C6H5। ओके, तो देखो ये मैंने लिया MgBr। तो देखो यहाँ पर क्या है, R इसकी जगह मैंने ले लिया C6H5, तब भी ये क्या बनता है, आर एम जी एक्स, या इसको अपने बोल सकते हैं जी आर, ग्रीन यार्ड रिजेंट, ग्रीन यार्ड अभिकर्मक। इसकी रिएक्शन कराता हूँ मैं ऑक्सीजन के साथ। किसके साथ कराता हूँ, ऑक्सीजन के साथ कराता हूँ। अब आपने ये ध्यान रखना कि यहाँ पर मेरे को हाफ ऑक्सीजन ही चाहिए। कितनी ऑक्सीजन चाहिए, हाफ ऑक्सीजन। तो अब देखो यहाँ पर इसको मैं अगर हाफ करूँगा तो इसका एक ही बचेगा ना ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन यहाँ पर ऐड कर दो। सिंपल सिंपल सी रिएक्शन है, बस आपने प्रैक्टिस करनी है बहुत अधिक बार। एम जी बी आर था क्या, बी आर लगा दो यहाँ पर। और अब अपने क्या करेंगे, इसका हाइड्रोलाइसिस कराएंगे, H2O हाइड्रोलाइसिस, जल अपघटन कराएंगे। क्या कराएंगे, जल अपघटन। तो इसको मैं ऐसे नोट कर लूँ क्या, H2O यहाँ लिख लेते हैं अपने रिएक्शन कराने के लिए, HOH ऐसे नोट कर लें क्या, तो ये अलग हो जाएगा यहाँ से क्या, MgBr और OH, और ये जो H है ये इस ऑक्सीजन के साथ आ जाएगा, तो अपने को मिलेगा फिनोल, OH प्लस में MgBr और OH।
ओके। तो देखो वापस बात करते हैं अपने, ये C6H5MgBr ग्रीन एयर रिएजेंट है, हाफ ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेगा, OMgBr कोई को प्रोडक्ट या सॉरी कोई अडक्ट बन जाएगा, अडक्ट बोलते हैं योगात्मक उत्पाद, ठीक है। और अब इसकी किसके साथ रिएक्शन कराएंगे, इसकी रिएक्शन कराएंगे H2O के साथ, जब H2O के साथ रिएक्शन करेंगे तब अपने को मिलेगा फिनोल, और साथ में क्या मिलेगा MgBr और OH, ओके। अब अपने लास्ट रिएक्शन देखते हैं और वो है फ्रॉम सल्फोनिक एसिड। तो देखो सल्फोनिक एसिड के लिए अपने को क्या चाहिए कि सबसे पहले अपने को सल्फोनिक एसिड का फॉर्मूला पता होना चाहिए कि सल्फोनिक एसिड क्या होता है, कैसे बनता है, ठीक है। सल्फोनिक एसिड SO3H होता है। अगर बेंजीन सल्फोनिक एसिड की बात करते हैं, क्योंकि अपने को यहाँ पर बेंजीन रिंग तो चाहिए, वो क्यों चाहिए, क्योंकि फिनोल जो होता है उसमें बेंजीन रिंग प्रेजेंट होती है, तो बेंजीन रिंग लाने के लिए मेरे को पहले सल्फोनिक एसिड का, बेंजीन सल्फोनिक एसिड का फॉर्मूला आपको लोगों को पता होना चाहिए। तो देखो अपने बात करते हैं बेंजीन सल्फोनिक एसिड की। अब देखो अपने को पता होना चाहिए फ्रॉम सल्फोनिक एसिड, बेंजीन सल्फोनिक एसिड का फॉर्मूला ये होता है बेंजीन SO3H, ये है बेंजीन सल्फोनिक एसिड। बट इससे पहले क्या होगा कि बेंजीन सल्फोनिक एसिड जो भी है इसको अपने को इसकी फॉर्मेशन करनी पड़ेगी, इसको बनाना पड़ेगा। तो कैसे बनाएंगे, लास्ट रिएक्शन देख रहे हैं अपने, और वो ये है कि अगर मैं बेंजीन की रिएक्शन कराता हूँ H2S2O7, इसे बोला जाता है ओलियम का, क्या बोला जाता है ओलियम, इसका फॉर्मूला होता है ये। अब ये जो फॉर्मूला है ये कहाँ से बना है आपको पता होना चाहिए, H2SO4 और SO3 इन दोनों को मिक्स करके बनता है ओलियम। क्या H2SO4 और SO3 देख लो, H2S कितने हो गए 2 और O कितने हो गए 4+3 7, H2S2O7। अब ओलियम का ओरिजिनल फॉर्मूला तो ये होता है, बट इसमें होता क्या ये आपको पता होना चाहिए, H2SO4 और SO3। अब देखो अब यहां पर इसका फॉर्मूला है, आपको यह पता होना चाहिए C6H6, क्या होता है C6H6। अब जब मैं कोई नया कुछ ग्रुप यहां पर ऐड करूंगा तो एक हाइड्रोजन हट जाएगा, रिमूव हो जाएगा, बस इतना ही ध्यान रखना है आपने। अब देखो क्या हुआ, ये जो SO3 था ये इसके साथ ऐड होगा, जुड़ेगा, एक हाइड्रोजन क्या होगा यहाँ से हट जाएगा और वो किसके ऊपर लग जाएगा, SO3 पर। तो देखो SO3H, ठीक है। अब अगर ये यहाँ से समझ नहीं आता तो आप अलग से समझ लो C6H5 और H, इसको मैं ऐसे नोट कर लूँ, C6H6 को ऐसे नोट कर लूँ, C6H5 और H टोटल कितने हो गए, C6H6 हो गए। इसकी मैं रिएक्शन कराता हूँ SO3 के साथ, मतलब ये कैसे बना इसके लिए मैं आपको दोबारा से अलग से बता रहा हूँ। तो इसकी रिएक्शन कराऊँगा तो C6H5SO3 और ये H किसके साथ आ जाएगा, इसके साथ आ जाएगा। तो अब टोटल है तो वो उतना ही, देखो C कितने हैं 6, यहाँ भी कितने हैं 6, H कितने 5+1 6, ये रे 5 और ये रहा 1 6, और ये क्या है SO3। अब ये जो फॉर्मूला है वो ये है, ठीक है। तो ये कैसे बना आपको पता होना चाहिए। अब ये बन गया बेंजीन सल्फोनिक एसिड, बेंजीन सल्फोनिक अम्ल ये रहा, ठीक है। तो ये कैसे बना दोबारा से बात कर लेते हैं अपने, बेंजीन की रिएक्शन कराते हैं अपने ओलियम के साथ, किसके साथ, बेंजीन की रिएक्शन कराते हैं ओलियम के साथ, ओलियम का फॉर्मूला होता है H2S2O7, ओके। अब इस H2S2O7 में आपको H2SO4 और SO3 अलग से नोट करना है, ये ध्यान होना चाहिए। रिएक्शन कौन करेगा, SO3, ये ऐसे यहाँ पर ऐड हो जाएगा। अब मैं क्या करता हूँ कि SO जो 3H बेंजीन के ऊपर लगा हुआ है इसमें रिएक्शन कराता हूँ मैं NaOH के साथ, NaOH के साथ रिएक्शन कराता हूँ तो यहाँ से देखो NaOH H2O अलग हो जाएगा, एक तो H ये और एक ये, माइनस क्या हो जाएगा H2O, तो जो H था वो हट कर रिमूव होकर उसकी जगह क्या आ जाएगा Na, उसकी जगह क्या आ जाएगा, सॉरी SO3 तो पहले से है, ये आ गया Na। अब ये जो है इसकी मुझे रिएक्शन करानी है फिर से 2 AnaOH और 573 केल्विन पर,
टू NaOH के साथ 573 केल्विन तक इसको क्या करेंगे अपने हीट करेंगे, गर्म करेंगे, 573 केल्विन तक इसको क्या करेंगे गर्म करेंगे। अब यहाँ पर रिएक्शन क्या होगी, देखो मैं इसको थोड़ा अलग से इसको दूर करके लिखता हूँ। देखो 2NaOH इसको मैं ऐसे नोट कर लूँ क्या, NaOH और NaOH इजीली समझ में आ जाएगा आपको, ठीक है। अब क्या होगा, यहाँ से अपने को ये वाला प्रोडक्ट मिलेगा, कौन सा, सोडियम फिनोक्साइड। देखो कैसे बना, यहाँ से अलग क्या होगा, साथ में लिख रहा हूँ मैं Na2SO3 और H2O, ये अलग हो जाएगा। तो ये कैसे कैसे बनाएगी ये देख लो आप लोग, ये H2O अलग हो गया, दिख गया आपको यहाँ पर क्या है H2O, यहाँ से क्या हो गया अलग, ओके। अब यहाँ पर Na कितने हैं, 1, 2 और 3, और एक क्या है SO3, तो Na2 या एक तो ये रहा, एक इसके साथ ये यहाँ चला गया, ये Na और ये Na, ये रहा Na2SO3, ये पूरा का पूरा हट गया। अब बचा क्या है, इधर Na बचा और इधर क्या है O, वो इसके ऊपर ऐड हो गया, ये क्या बन गया सोडियम फिनोक्साइड। अब ये जो सोडियम फिनोक्साइड है ये आगे फिनोल में कैसे कन्वर्ट होता है, कैसे बदलता है, आपको पता होना चाहिए कि अगर मैं किसके साथ रिएक्शन करा दूँ HCl के साथ, यहाँ से क्या अलग हो जाएगा NaCl और मेरे को मिलेगा फिनोल, क्या मिलेगा अपने को फिनोल, ओके। आप लोग ये रिएक्शन आराम से पढ़ना, कई सारे स्टेप में हैं, बस आपने ये ध्यान रखना है कि कौन सा जो रिएक्टेंट है, कौन सा अभिकारक है, वो कहाँ पर ऐड हो रहा है, किसके साथ बॉन्ड बना रहा है और कौन वहाँ से रिमूव हो रहा है, ठीक है। तो जैसे कि स्टार्टिंग में मैंने आपको बोला था कि ये रिएक्शन आप लोगों के लिए टिपिकल है, इस इन रिएक्शंस के लिए आपको बहुत अधिक प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। अगर फिर भी नहीं समझ में आता है तो आप मेरे से कंसल्ट कर सकते हो, पूछ सकते हो, ओके, थैंक यू।